So welcome back. This is your question number fourth and part number one. So identity ko use karke hi we have to solve these kind of problems. So it's very easy. Aapko dikh raha hai cosec minus cot theta ka whole square. Or to be very honest, jab tak yahan cosec and ya cot ke upar square nahi lagta, tab tak shayad hum identity ko use karne ke baare mein nahi sochenge, hai na? तो इस क्वेश्चन में आप कुछ मत कीजिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन ए, तो ये बन जाएगा वन अपॉन साइन ए, और ये माइनस का कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। और अभी यहाँ पे क्या है, अभी इस पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको एज इट इज यहाँ रहने दीजिए। अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो साइन ए का एलसीएम इज नथिंग बट द साइन ए ओनली, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर वन माइनस कॉस ए ही बचने जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इंडिविजुअली इन दोनों के ऊपर स्क्वायर यहां लगा देता हूं। अब तो ये बना वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये बना आपका साइन स्क्वायर ए, है ना। अब अगर आप नोटिस करें तो अब क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर ए दिख रहा है और आइडेंटिटी भी हम पे है, और लकीली हमें इस आइडेंटिटी से वन माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा जो कि शायद हमें यहाँ यूज पड़े, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी नंबर थर्ड, है ना। सो अब फाइनली क्वेश्चन को हम एंड करने जा रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हो वन माइनस कॉस ए यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए दो बार लिख सकता हूं। वहीं पे अगर आप ये ढंग से देखें, वन के ऊपर अगर स्क्वायर एज्यूम भी कर लो, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कोई चीज है, तो जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और दूसरा होता है यहाँ a माइनस बी, तो सिंपल सा बात है ये मल्टीप्लाई में है चारों आपस में, है ना। तो फाइनली वी कैन कैंसल देम, तो अगर मैं यहाँ वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए को माइनस कर दूं, तो मेरे पास बचेगा वन प्लस कॉस ए, है ना, डिनोमिनेटर में, और ऊपर बचा वन माइनस कॉस ए। तो क्लियरली हमें यही चाहिए था, हमारा एल एच एस यहाँ आर एच एस के इक्वल आ गया, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब इस सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी को तो वी कैन नॉट यूज, क्योंकि आइडेंटिटीज में स्क्वायर 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 लगा होता है, और यहाँ पे कहीं पे भी इन दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है, है ना। और दूसरा चीज यहाँ पे ये है, ये ऑलरेडी साइन कॉस में ब्रेक है, तो रूल हमारा क्या बोलता है, पहले आइडेंटिटी ढूंढो, उसके बाद साइन कॉस में सबको ब्रेक कर दो, तो जो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ लगानी नहीं, साइन कॉस में किसी को ब्रेक करना नहीं, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से तो हमें यहाँ इसका एडिशन करना है, और एडिशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ एलसीएम को लिया जाएगा। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे बचेगा वन प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब कॉस ए की लाइफ में वन प्लस साइन ए है लेकिन कॉस ए नहीं है, तो इस कॉस ए का मल्टीप्लाई अगर मैं कॉस ए से करवाऊं तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस का साइन। वन प्लस साइन ए के पास कॉस ए तो है नीचे, लेकिन वन प्लस साइन ए नहीं है, तो वन प्लस साइन ए का इनटू अगर मैं वन प्लस साइन ए से ही करवाऊं तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं है। अब क्लियरली जब आप यहां पहुंच ही गए, तो ये जो चीज यहां आपको दिख रहा है, ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं है। तो अब बस मुझे इसको ओपन करना है, एंड देन आई हैव टू सी व्हाट वी कैन डू फर्दर।
सो ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज ऐसे ही रहेगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, साइन स्क्वायर का होगा साइन स्क्वायर ए, और ट्वाइस ऑफ ए बी का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ट्वाइस ऑफ साइन ए ही यहाँ पे बचने जाएगा, है ना, क्योंकि 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो इट डजेंट मैटर, तो मैं उसको यहाँ हटा देता हूँ और आपके पास बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर और ये ट्वाइस ऑफ साइन है। डिवीजन में आप इसको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई मत करवाइएगा, एज इट इज आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए की फॉर्म में। अच्छा जी, अब अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दो स्क्वायर की चीजें आ चुकी हैं, तो जिनका आंसर होता है 1, तो मैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को लेके यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, 1। ठीक है, तो एक तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर का कॉम्बो मुझे 1 देगा, एक 1 मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने एक 1 और लिखा और ये हुआ ट्वाइस ऑफ साइन ए। ठीक है, यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप फर्दर आगे जाएं तो फर्दर आपको पता चलेगा डिनोमिनेटर में एज इट इज वही चीजें रहने जा रही हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको चेंज मत करिए, 1 प्लस 1 हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए यहाँ पे, और अगर आप यहाँ देखें तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फाइनली मैं जब 2 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, है ना, तो ये आपका चैलेंज नहीं होना चाहिए, और नीचे भी आपके पास 1 प्लस साइन ए है और उसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे कॉस ए है, क्लियरली 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा आपका, और बचा ये 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को जब आप रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक ए, क्योंकि कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो यही मैंने आपको समझाया था। So with this way your LHS is equals to RHS. So your question is prove now. अब चलते हैं next part पे, देखते हैं उसमें क्या होता है। So now this is one of the trickiest question, और इसको करने से पहले आपको मैं दो तीन चीजों को clear कर देना चाहता हूँ। सपोज मैं आपसे बोलूं कि 3 माइनस 1 जो मेरा होता है उसका आंसर 2 होता है, और जो मेरा आंसर 1 माइनस 3 होता है तो उसका आंसर माइनस 2 होता है ना, ये आपको पता है। तो क्लियर सी बात है कि अगर आपके पास कल के दिन लिखा है कि a माइनस b का आंसर बेटा बाय चांस कोई x है, और b माइनस ए जो कोई भी होगा उसका आंसर यहाँ पे देन माइनस का x आएगा। अब अगर आपको माइनस से x को प्लस का x करना है तो माइनस 1 से इंटू करवाना पड़ेगा, है ना, माइनस x इंटू माइनस 1 विल गिव यू प्लस का x, और अगर इनका भी आपको साइन बदलना है, अगर आप b को माइनस चाहते हो a को प्लस चाहते हो, तो यहां पे भी आपको माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तब ये यहां एक जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रूल क्या है सर, ये क्यों समझाया जा रहा है, समझाया आपको इसलिए जा रहा है कि कल के दिन अगर 1 अपॉन a माइनस b लिखा होगा और उसके साथ प्लस में बाय चांस b माइनस a लिखा होगा, और अगर आप इसको भी a माइनस बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा माइनस 1 से, और माइनस 1 से जब आप इसको कन्वर्ट करवाएंगे इनटू करवाएंगे तो ये माइनस आपका चला जाएगा आगे, यानी इस प्लस के पास, और नीचे वाली चीज इजीली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ भी नहीं देखना है तो आप नीचे देख सकते हो लाइक दिस, है ना। तो अब ये बिल्कुल ये जो फॉर्म आपका यहाँ लिखा गया है, ये जो फॉर्म आपको ओरिजिनली यहाँ पे था b माइनस a, तो b माइनस a को जब मैं a माइनस b में कन्वर्ट करूंगा तो
तो मैंने माइनस ए से इनटू करवाया, माइनस वन से इनटू करवाया, और ये माइनस फर्दर हटके इन फ्यूचर यहां भी जा सकता है, ये भी आपको पता है ना। तो इसी लॉजिक पे वी विल वर्क, हम इसी लॉजिक पे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसको कौन से स्टेप ले समझाया गया है दैट आई विल लेट यू नो, लेकिन सबसे पहले बैक टू द बेसिक्स। तो डू यू नो अभी भी यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बच रही है, तो लेट्स ट्राई कि हम इसको साइन कॉस में ही ब्रेक कर दें। तो टेन थीटा बनेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, साइन थीटा, ये हमें पता है। अच्छा, अगर मैं इस स्टेप में यहां अब अगर एलसीएम लूंगा, तो नीचे एलसीएम लूंगा, तो यहां अगर वन है तो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इस साइन का इनटू वन से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। और एलसीएम अगर आप देखोगे तो वन इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो एलसीएम तो इसका साइन थीटा ही आएगा, यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब जो सेकेंड स्टेप में आपको देखना है कि जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स हमें पता है, और जो सेकेंड और थर्ड वाले पोजिशन पे होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्लियरली ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और इनटू में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां तक कोई ट्रबल है। तो ये तो जस्ट आपने अभी एक ही पार्ट को सॉल्व किया है और आपका आंसर कुछ ऐसा आया। अब जब आप इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो आपके पास यहां पे आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, क्योंकि ऊपर कॉट है, डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम अगर आप लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर करवाओगे, तो जब आप यहां एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये मैंने अभी डिनोमिनेटर ही सॉल्व करके दिखाया आपको जैसे ऊपर हुआ। तो क्लियरली जब आप इसको भी सॉल्व करोगे आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि इस साइन का इनटू आप इससे करवाओगे, और यहां पे आपका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो होपफुली आप इस स्टेप तक तो पक्का यहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट, जहां पे आपको यहां पहुंचना ही पहुंचना है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहां पे फर्दर यहां तक कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आगे सॉल्यूशन में जब चलूंगा तो आई विल टेल यू द फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स, जो हमारे आगे स्टेप्स यूज होंगे, अब हम उनको ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इस सबको रब कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो जो जो आपका बचा हुआ है उसको रहने देते हैं, तो ये बॉक्स वाले को आई एम नॉट रिमूविंग, तो ओके ठीक है, चलिए। सो अब आपकी लाइफ में बचा है ये वाला पार्ट, है ना। अब अगर आप गौर से देखें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये ए माइनस बी टाइप का कुछ लग रहा है और ये बी माइनस ए टाइप का लग रहा है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था मुझे अगर इन्हें एक जैसा करना है तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां इन्हें एक जैसा कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आपने टच नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने इसको रिवर्स किया डिनोमिनेटर में,
जैसे ही आपने इसको डिनोमिनेटर में बेटा रिवर्स किया तो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपने जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया तो ये प्लस का साइन जो था यहाँ पे वो माइनस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आपका ऐसा बच गया। कोई टेंशन। अब इसको कन्वर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वन माइनस है ना, अगर आप यहाँ देखो साइन थीटा कॉस थीटा को मैं अब यहाँ कॉमन ले सकता हूं, और अगर मैं इसको कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपके ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहां तक स्टेप में आप पहुंच गए होंगे, यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि अगर आप यहां एलसीएम लेंगे इसी चीज का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये जो ब्रैकेट है मेरा इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हम कॉमन ले चुके थे, तो जब आप इन्हें एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो यहां से सीधे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आंसर आएगा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्यूब थीटा बनेगा, और कॉस का इनटू कॉस स्क्वायर से होगा तो ये कॉस क्यूब थीटा बनेगा। तो फाइनली अब हम वहां पहुंच चुके हैं जिस चीज से इस क्वेश्चन को आप फर्दर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि यहाँ तक हमें समझ में आया भी है या हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन में फर्दर आगे। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब इस लास्ट वाले स्टेप से हम आगे कंटिन्यू जब करेंगे तो लेट मी टेल यू एन आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक आइडेंटिटी होता है क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म ही लग रही है, तो डेट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है यार, तो इसमें वो आप कैसे यूज करोगे देखते हैं। तो आपका जो बाहर कॉमन आपने लिया था वो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, ब्रैकेट में अगर मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से खोलूं तो सबसे पहले लिखा जाएगा ए माइनस बी का मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहीं पे अब साइन स्क्वायर भी हो जाएगा और ऐसे ही कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, और ए बी की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। डिवीजन में आपके यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चली जा रहा है। अब आप गौर से अगर देखें तो बेटा साइन माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कैन बी कैंसल आउट। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपका जो आइडेंटिटी है एक, इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए वन, तो इसको मैंने वन लिख दिया। तो अगले स्टेप में आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में यू गाइस नो कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और वो प्लस माइनस में है तो उन्हें इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये चीज आपस में जब इंडिविजुअली डिवाइड होगी तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और फाइनली अब हमारा क्वेश्चन इज डन क्योंकि इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में मिलेगा प्लस का वन।
अब वन अपॉन साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो हमने यहाँ कॉसेक थीटा ही लिखा। अब मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है नीचे, कॉस थीटा का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेक थीटा। तो फाइनली जो मुझे आंसर चाहिए था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, वो यहाँ आ चुका है। तो जैसे ही हमारा LHS और RHS यहाँ इक्वल अब आ चुका है। हेक्टिक क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन स्टेप्स को याद रखिए, आराम से करिए, तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना। तो पार्ट नंबर फोर्थ में ऑलरेडी अब आपको दिख रहा है LHS और RHS दो जगह दिख रही हैं आपको, लेकिन जो आइडेंटिटी मुझे दिख रही है वो मुझे राइट हैंड साइड में दिख रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि मैं इसी को सॉल्व करूँ, है ना। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को इस बार पिक करूं, और क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर दिख रहा है और साइन स्क्वायर से रिलेटेड एक आइडेंटिटी भी है, तो क्लियरली इस साइन स्क्वायर ए की जगह आई कैन राइट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये हम कई बार कवर कर चुके हैं, क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर ए यहाँ चला जाएगा तो वो माइनस का हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे है आपका वन माइनस कॉस ए। अब अगर आप इस आइडेंटिटी को खोलो तो ये आपका फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप्स का आपको दिख रहा होगा, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी, और दूसरा बन जाएगा आपका यहाँ पे ए माइनस बी, और इसके डिवीजन में है ये वन माइनस का कॉस ए। तो क्लियरली ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहां तक कोई ट्रबल? अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो आपका जो कॉस ए होता है उसका जो ऑपोजिट होता है वो यहाँ पे सेक ए होता है। तो आप लोग अब क्या करोगे, आप अपने कॉस ए की जगह यहाँ पे वन अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, है ना। सेक ए लिखिए, फिर आप यहाँ क्या करिए, आराम से एलसीएम लीजिए, और जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, सेक ए ही एलसीएम होगा, और सेक ए का इंटू जब वन से आप करोगे तो यहाँ सेक ए बचेगा, और ये प्लस वाला वन तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। सो योर आंसर इज डन। एज यू कैन सी हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था, और ये जब आपका RHS LHS के इक्वल हो जाएगा, उसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है ना। सो द फिफ्थ पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। और ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शन है, तो इसको उस एक्सेप्शन की तरह ही वी विल ट्रीट। ओके, सो हर क्वेश्चन में आप क्या करते थे, आप पहले एक आइडेंटिटी को फाइंड करते थे, है ना। आप आइडेंटिटी देखते थे, आप फिर उसके बाद क्या करते थे, फिर अगर आइडेंटिटी नहीं होता था तो साइन कॉस में ब्रेक करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये एक एक्सेप्शन है, और ये आपका CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा केयरफुली एक स्टेप करना है। आप अगर नोटिस करो तो जो आपके राइट हैंड साइड में है वो कॉसेक एंड कॉट की फॉर्म में है ना। कॉसेक एंड कॉट की फॉर्म में अगर है, और अगर आप देखो तो कॉट जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है ना। ये तो आपको पता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सबसे बड़ा हिंटी ये है कि जब मैं यहाँ अपना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा ये जितने भी ये लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अब कॉट क्योंकि कॉस अपॉन साइन है और यहाँ कॉस है,
कॉस न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन साइन नहीं है। तो जो सबसे पहला स्टेप में या इनको क्वाड बनाने के लिए वो ये होगा कि मैं डिवाइड करवा दूंगा अपने न्यूमरेटर को और अपने डिनोमिनेटर को ही बेटा साइन ए से। अच्छा, अब जब मैं इन्हें साइन ए से ही डिवाइड करवा दूंगा तो आपको पता है, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का वन अपॉन ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ए, और सिमिलरली नीचे भी आपका कॉस ए प्लस साइन ए और ये हो गया माइनस का वन डिवाइडेड बाय साइन ए। यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा इसको। अब अगले स्टेप में जब मैं यहां आगे बढ़ूंगा तो आपको इन सबको इंडिविजुअली डिवाइड करना है। तो अगर आप कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी कॉट ए। यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं है। अगर आप यहां साइन ए को साइन ए से ही डिवाइड करवाएंगे तो, और ये साइन भी क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो वो मिलेगा आपको माइनस का वन, ये भी कोई डाउट नहीं है। और फाइनली जब आप यहां वन अपॉन साइन ए करवाओगे, जब आप वन अपॉन साइन ए करवाओगे तो वो उल्टा होके बन जाएगा प्लस का कॉस ए के। यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं है। जब आप इन्हें इंडिविजुअली डिवाइड करवाओगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं फटाफट, जैसे कॉस ए अपॉन साइन ए किया आपने, साइन ए अपॉन साइन ए किया और लास्ट वाले में वन अपॉन साइन ए किया ना, तो वन अपॉन साइन ए बना आपका कॉस ए के, साइन ए बना आपका वन, कॉस अपॉन साइन बना आपका कॉट। ओके, तो यहां तक कोई ट्रबल नहीं है। ऐसे ही जब आप अपने डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में भी सेम थिंग विल हैपन, कॉस अपॉन साइन विल गिव यू कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए विल गिव यू प्लस का वन, और वन अपॉन साइन ए क्योंकि माइनस का साइन है तो इट विल गिव यू कॉस ए का ए। तो यहां तक तो कोई ट्रबल बेटा नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। यहां तक आप डेफिनेटली क्वेश्चन में पहुंचेंगे अगर आप साइन ए से डिवाइड करवाओगे। अब जो सारा पंगा है इस क्वेश्चन में वो है एक्चुअल में अब आगे की तरफ। ठीक है, सो आगे की तरफ इसमें एग्जैक्टली क्या पंगा है वो हमें अब देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बैक टू दिस थिंग। अब आपके पास ये है कॉट ए कॉस ए के माइनस वन, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन, तो आप उस आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए जहां पे कॉट एंड कॉस ए आता हो, तो आप रियलाइज करोगे कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए यहां पे कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, पहला तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जो मुझे आंसर मेरे राइट हैंड साइड में है वो आंसर मेरे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर में मतलब ऊपर की तरफ है वो आंसर। तो इस क्वेश्चन का एक हिंट है, आपको जब भी कभी इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास दो वन होंगे हमेशा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, लेकिन क्योंकि आंसर आपको न्यूमरेटर में चाहिए तो आप इस वाले वन की जगह कुछ लिखोगे, यानी इस वन को ही आप यहां सब्स्टिट्यूट करने जाओगे। ठीक है, तो हम इसी वन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये ध्यान रखना। और अब इस क्वेश्चन में फर्दर मैंने आगे क्या करना है वो मैं आपको अब दिखाता हूं। ठीक है, तो इस वन की जगह क्या लिखा जाएगा, डेट इज द चैलेंज। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए था, तो यहां पे वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और मल्टीप्लीकेशन में अगेन कॉसेक ए प्लस सॉरी माइनस कॉट ए, है ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का ये आइडेंटिटी यहां बन चुका है। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस वन की जगह यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो
कॉट ए को ऐसे ही छोड़ेंगे, आप कॉसेक ए को भी ऐसे ही छोड़ना, आप इन्हें ब्रैकेट में ले सकते हो माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने इस वन की जगह यहाँ पे जो भी लिखा है मैं उसको लिख देता हूँ, और वन की जगह आप नीचे से जो आइडेंटिटी उठा के लाए हैं वो लाए हैं आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, सो अब इस आइडेंटिटी को मैंने जब लिख दिया है तो आई एम जस्ट रिमूविंग इट, आप लोगों को लिख के रखना है कॉपी में, ये ध्यान रखना। तो अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, अब इस न्यूमरेटर में ही मैं कुछ और फर्दर चेंज करूंगा, और इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स आपको नहीं लगता कॉटे प्लस कॉसे के और कॉटे प्लस कॉसे के दोनों के पास है तो ये कॉमन आ सकता है? और अगर वो भी आपको डाउट है तो ध्यान रखना, जो मुझे आंसर में चाहिए होता है मैं उसी को कॉमन उठा लूंगा। तो अगर मैं कॉटे और कॉसे को कॉमन उठा लूं, है ना, मैं जाता हूं यहाँ पे वापस, तो दिस इज माई नेक्स्ट स्टेप। तो अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेता हूं तो यहां आपके ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा वो अब देख लेते हैं। कॉट ए कॉसेक ए जब चला जाएगा, अगर ए माइनस ए बी होता है और ए अगर कॉमन लिया जाता है तो 1 माइनस बी बचता है। सेम वे जब कॉट ए कॉसेक ए चला जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा और यहाँ माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस एज इट इज है, और फर्दर आपके पास यहाँ से ये भी रिमूव हो गया तो ये भी 1, और 1 इंटू दिस इज नथिंग बट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक समझ में आया? तो अभी तो मैं बस न्यूमरेटर को ही सॉल्व किया था, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यूज को लिखते हुए चलना है। तो दिस इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट यार? ठीक है, अब मैं इस ऊपर वाली चीज को रब कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि आंसर में अब मुझे चाहिए फाइनली। तो लेट मी रिमूव दिस थिंग फॉर यू गाइस। ओके चलो जी, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट स्टेप। अब अगर आप ढंग से देखो तो जो मुझे आंसर में चाहिए था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या उसको आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हो, कोई जब प्लस में होता है तो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रैकेट में बड़े गौर से देखिएगा, ब्रैकेट में ये 1 है तो मैंने 1 लिखा। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं अंदर वाले को तो इस 1 का इंटू किससे हो जाएगा, कॉसेक से, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए, और वहीं इसी माइनस का इंटू यहाँ पे माइनस कॉट ए से होगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का कॉट ए। और अगर आप ढंग से देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसकी सीक्वेंस बदल दूं तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस का था, कॉसेक माइनस का था और कॉटे प्लस का था, तो जो चीज ऊपर लिखा है डिट्टो वही चीज आया है। तो अब अगर मैं इसको फर्दर कैंसिल आउट कर दूं तो यू कैन सी माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, एंड विद दिस वे माई क्वेश्चन इज डन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे क्या था, जब आपने उस 1 को सब्सिट्यूट किया था, रिप्लेस किया था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो प्लीज कॉपी पेन लेके ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा। ओके, तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो 6th पार्ट इज एन इजी पार्ट, अब इसको फटाफट से करते हैं बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर फंसता है तो आपका जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है वो होता है रैशनलाइज का, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपका अंडर रूट में फंसेगा तो आप उसको रैशनलाइज करवाएंगे,
तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ रैशनलाइज करवाऊँ, इसको मैं अंडर रूट के अंदर ही रखता हूँ, तो 1 प्लस साइन ए आपके पास ऐसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए रहेगा, और जब आप रैशनलाइज करवाते हैं तो यू नो कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया जाता है ना। तो नीचे और ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इट इज वेरी इजी, अंडर रूट के अंदर ही यहाँ पे आपको दिखेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखो तो दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी, तो अगेन ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी आपको थर्ड वाली फिर से दिख रही होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो अब क्वेश्चन में अब आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बचा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो अंडर रूट फाइनली रिमूव हो सकता है। तो जब यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो एक बनेगा 1 प्लस साइन ए और ये बनेगा नीचे आपका कॉस ए। सो रूल इज वेरी सिंपल, जब कोई दो नंबर्स को डिवाइड करता है प्लस वाले को, तो इंडिविजुअली इन दोनों के ऊपर, है ना, तो ये इन्हें अगर इंडिविजुअली डिवाइड करेगा तो दिस इज 1 अपॉन कॉस ए, दिस इज साइन ए अपॉन कॉस ए, विच कैन बी फर्दर कन्वर्टेड टू, सो 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका sec a, और साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan a। तो आपका तो आंसर ये वैसे ही आ गया, तो ये बना आपका sec a और ये बना आपका tan a, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, आपका LHS यहाँ RHS के इक्वल आ गया, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत जल्दी भी हो गया है ना। सो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ खास स्पेशल नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। तो आप देख सकते हो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि साइन और कॉस की फॉर्म में ही आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यूबिंग चल रहा है, दोनों साइड ऊपर नीचे क्यूब और क्यूब ही आपको दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन में, ऊपर आप देखो तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूं, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं, नीचे अगर आप देखो तो आप कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब ने आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस आपको पता है वो टेन थीटा होता है, तो ये आंसर तो आपको मिल चुका है, बस अब आपको क्या करना है, ये जो भी ऊपर या नीचे लिखा है इसमें ना आइडेंटिटी लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ साइन स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का एक आइडेंटिटी होता है डेट वी कैन यूज, तो मैं उसी को यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं, और नीचे मैंने अभी तक कुछ भी टच नहीं किया है, ठीक है। तो जब मैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 1 माइनस, माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 1 इंटू करोगे माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर इज योर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप इसको ढंग से रीअरेंज करो तो दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो, है ना। तो ये आपका सॉल्व होके डिट्टो यही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा था आपके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अगले स्टेप में इन्हें कैंसिल आउट कर देना है और आपका सिर्फ यहाँ 10 थीटा बचेगा, सो LHS आपका यहाँ RHS के इक्वल आ चुका है, एंड दिस वे this question is also done. Another question, another exception, और ये एक और exception वाला case है। आपको अब क्या करना है यार, normally क्या होता है, आप लोगों को पता है कि identity कोई square दिख रहा है, यहाँ चारों के पास square नहीं है, फिर आप sin cos में convert करते थे,
तो लेकिन इस क्वेश्चन में प्लीज आप साइन कॉस में कन्वर्ट मत करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डिफरेंट पार्ट है, जैसे आपका फिफ्थ पार्ट था। तो आप ना यहाँ पे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही ओपन कर दीजिए दोनों केसेस में। तो जब आप ये करोगे तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। गॉट इट? ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको ओपन किया, आप दूसरे वाले को भी ओपन कीजिए, वो भी कॉस स्क्वायर ए हुआ, ये भी सेक स्क्वायर ए हुआ, और यहाँ पे आपको मिलेगा टू कॉस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ तक अभी तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। फिर आपको रिकॉल करनी है कुछ आइडेंटिटीज, कुछ रूल्स। आपको पता है कि साइन थीटा अगर वन अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, और अगर मैं इस कॉसेक थीटा का इनटू करवा दूं साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्लियरली आपका जो साइन थीटा होगा और जो आपका कॉसेक थीटा होगा, है ना, उसका आंसर आ जाएगा वन। क्लियरली? और सेम वे वी कैन से क्योंकि आपका जो कॉस थीटा होता है वो आपका वन अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो sec थीटा इंटू cos थीटा जो होता है वो भी वन होता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना। तो अब यहाँ पे हम फाइनली करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, वी आर गोइंग फॉर द किल। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, है ना, इन दोनों का एक कॉम्बो बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का एक कॉम्बो बना। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को डायरेक्टली वी कैन राइट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इस चीज को अब आपको पता है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो साइन ए कॉसेक ए अगर वन होता है तो इसको टू लिखा जा सकता है। वहीं पे सेक स्क्वायर ए के लिए भी एक आइडेंटिटी बना है, और वो आपका बना है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और डिट्टो कॉस ए सेक ए अगेन वन होता है, तो यहां से फिर से एक कॉस मतलब टू बाहर निकला। ठीक है, अब आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपको पता है कि वो वन होता है, तो आपके पास कितने सारे वन है देख लेते हैं। वन प्लस वन टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव, और फाइव प्लस टू इज सेवन, तो आंसर में ये सेवन आ गया। आपके पास कॉट स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो कॉट स्क्वायर ए भी आपके पास आ गया, और ये टेन स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए भी आपके पास आ गया, है ना। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो पार्ट नंबर नाइन्थ, अगेन बहुत ईजी है, आइडेंटिटी कोई यहाँ डायरेक्ट आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे एल एच एस में कोई स्क्वायर टाइप का कोई चीज है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका एल एच एस में स्क्वायर नाम का कोई चीज है ही नहीं, तो आप यहाँ इन्हें साइन कॉस में ब्रेक कीजिए, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप कॉसेक को, आपको पता है आप कॉसेक को वन अपॉन साइन लिख सकते हो, और यहाँ माइनस का साइन एज इट इज ऑलरेडी है, तो ये तो हुआ पहला चीज। ठीक है, अच्छा, फर्दर अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन ए नीचे, और ऊपर बना वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो पहला चीज तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बनेगा वन अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए, इसको चेंज मत करो। ठीक है, तो क्योंकि कॉस और साइन में तो ऑलरेडी यही हुआ ना, तो जब आप फर्दर एलसीएम लेंगे तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बचेगा। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवीजन में ये क्या है यहाँ पे साइन ए, तो इसको साइन ए ही लिखिए, मल्टीप्लाई बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला चीज जो आप यहाँ पहुंचे, यहाँ तक कोई ट्रबल। अब आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस गेम को खेलना है। अब अगर आपको पता है अगर यहाँ कॉस ए और साइन ए है, और तो डिनोमिनेटर में वन होगा, है ना,
और डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा तो इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं। फिर आपको पता है कि जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नीचे स्विच हो जाता है, तो ये बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों के डिवीजन में चला जाएगा, तो ये तुम्हारा साइन ए कॉस ए इसको भी डिवाइड करेगा, और ये आपका साइन ए कॉस ए है ना, कॉस स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। एक साइन से एक साइन कटा तो वो 1 अपॉन है ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता, साइन अपॉन कॉस आपको मिलता है यहाँ पे टेन ए, वहीं पे कॉस से कॉस कटता तो कॉस अपॉन साइन आपको क्या मिलता, कॉट ए। सो विद दिस वे वी हैव प्रूव्ड अ क्वेश्चन। होपफुली आपको ये क्लियर होगा कि ये कैसे किया गया होगा, और आप चाहते तो इस स्टेप के बाद यहाँ इसको छोड़ सकते थे, और यहाँ के बाद अगर आप अपने आरएचएस को भी सॉल्व करते, यानी इस चीज को भी सॉल्व करते, तो भी हमारा आंसर घूम फिर के यहीं पहुंचता। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि ये इसके इक्वल, यानी अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके, बेसिकली मुझे टेन स्क्वायर ए के ही इक्वल करना है, और कुछ स्पेशल मुझे इसमें नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपको पता है 1 + tan² a तो भाई डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, sec स्क्वायर a हो जाएगा, और 1 + cot² a आपका cosec स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम एमसीक्यू में कर चुके थे, फिर मैंने आपको बताया था ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा है ना, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा, एंड दिस इज नथिंग बट टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, इसको भी टेन स्क्वायर ए दिखाना है। तो आइडेंटिटी कोई डायरेक्ट है नहीं, तो डायरेक्ट साइन कॉस में ब्रेक करो आप इसको, तो ये बना 1 - sin a अपॉन cos a, ये बना 1 - cos a अपॉन sin a। ठीक है, ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, इसका इनटू इधर हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, गॉट इट। सॉरी, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, और नीचे ही चीज कन्वर्ट हो जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड में साइन ए। पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए अभी तक। अब क्वेश्चन में अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूं, तो आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए चला सबसे ऊपर, तो साइन ए सबसे ऊपर चला, ये आपका है कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और नीचे अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं तो कॉस ए का इनटू हो जाएगा इस चीज से, तो ये बना कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज अभी है ही नहीं। अब आपको रूल पता होना चाहिए, काफी बार बताया है, अगर ए माइनस बी को बी माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आंसर -1 आता है, तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे साइन अपॉन कॉस तो बन गया आपका टेन ए, ये बन जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर, तो जब टेन का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टेन स्क्वायर ए में, और -1 का स्क्वायर मैं करूंगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। सो विद दिस क्वेश्चन आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, होपफुली देयर वाज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। थैंक यू।